वंदना और राजेश पर चढ़ा प्यार का खुमार। देखी रोमांटिक जोड़ी की केमिस्ट्री। ये है दिन प्यार का। भाई वैलेंटाइन्स के मौके पर आज एक दूसरे पर प्यार लुटा रही है ये ऑन स्क्रीन जोड़ी, यानी कि वागले की दुनिया के वंदना और राजेश। देखे तो कैसे राजेश आज वंदना के लिए गाना गा रहे हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को रोज देकर हो रहे हैं काफी रोमांटिक। भाई फैंस का तो इन्हें काफी प्यार मिला है और फैंस इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं इस ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी के पास करने प्यार भरे दिन को सेलिब्रेट। फरवरी का महीना आते ही पूरी तरह से रोमांस में सभी डूब जाते हैं, और ऐसे में राजेश और वंदना हैं हमारे साथ जो कि काफ़ी रोमांटिक, बहुत ही अलग तरह के कपल हैं मैं कहूँगी, क्योंकि इतना इंस्पायर करते हैं आप। पहले सबसे तो प्लीज़ हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप। थैंक यू। दर्शकों को भी संत वैलेंटाइन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो पहले सबसे तो प्लीज़ यही बताइए, क्योंकि यूजुअली सोचते हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ काफ़ी सेटल हो गई है, बट यहाँ पर राजेश और वंदना किस तरह से वो प्यार जो है इंस्पायर करना चाहते हैं सारे ही लोगों में, आज भी वो एक जो कहते हैं कि वो स्पार्क नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या? हाँ, मेरे ख्याल से छोटे छोटे सरप्राइजेज होते हैं, वो प्लान करने चाहिए जो राजेश करता है। मेरे ख्याल से आप किस तरह से पेश आते हो आपकी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी शादी क्यों हुई है, मेरी वंदना से, राजेश की वंदना से शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे में कुछ देखा। तो जिस तरह से राजेश अपने माता पिता का ख्याल रखता है, या वंदु जिस तरह से अपने सास और ससुर का ख्याल रखती है, बच्चों को जिस तरह से हम लोग टैकल करते हैं, माता पिता हमेशा अलग अलग नज़रिया होता है बच्चों को हैंडल करने का, तो वंदना से राजेश सीखता है, राजेश से वंदना कुछ टिप्स लेती है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से प्यार जो है वो बरकरार रहता है। और फिर वंदु को गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑफिस से आते आते राज कुछ छोटे से गजरे लेकर आता है और वंदना के बालों में वो पहना देता है। भाई राजेश और वंदना ने दी परफेक्ट कपल होने की कुछ खास टिप्स भी कि कैसे एक दूसरे संग तालमेल बना कर रखा जाए। बिलीव कि वही यू हैव टू सरप्राइज योर पार्टनर, और वो आप कितना अटेंशन देते हो, आई थिंक इट रियली मैटर्स, बिकॉज आई हैव सीन कपल, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अनसुना कर देते हैं आफ्टर सर्टन ईयर्स, तो वो अनसुना नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो एक होता होगा, क्योंकि आप जब एक साथ रह रहे हैं शादी के बाद तो कभी कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन यू हैव टू फाइंड अ वे टू कीप रीडिस्कवरिंग योर लव फॉर द पार्टनर। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजेश वागले मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं, या फिर जब वंदु कहती है कि हाँ, वंदु कहती है कि राज कुछ गाना सुनाओ, तो फिर गाना गाने लगता हूँ मैं इनको प्यार से बोलता हूँ बजिए। हाँ, बजो राज बजो, तो बजते हैं। तो हम रेडियो वेडियो नहीं रखते घर पे, हमारे पास है चलता। हाँ। फिरता ओ गॉड, ये भी कुछ गुब्बारे हैं, ये जो हमने आज तक कभी जिंदगी में एक दूसरे को नहीं दिए। हमारा वैलेंटाइन रूल था कि कभी रेड रोज़ेस नहीं मिलेंगे और कभी रेड बलून्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए देखिए हमने हमारे बगीचे में भी देखिए ऐसे फूल लगा के रखे। हाँ देखिए, और वैलेंटाइन्स के उपलक्ष्य में हम खाना भी खिला रहे हैं सबको। हम राजेश वागले और वंदना वागले ऐसे मनाते हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, पूरे परिवार को हम खाना खिला रहे हैं। नहीं, हम खाना नहीं खिला रहे, ये हमारे प्रोड्यूसर का उनका जन्मदिन है। प्यार होता है, प्यार को वो जैसा कहा कि यो फिर एक प्रैक्टिकल जोन में चला जाता है, वो सिलेक्टिव डेफिनेशन आ जाती है कि कई बातें कभी कभी अनसुनी हो जाती है, तो उसके ऊपर वी नीड टू कीप अ वॉच। बाकी तो भैया जिंदगी है जिंदगी, आपको अगर साथ में रहना है तो आपको यू विल हैव टू कीप फाइंडिंग एक तरीका जो आपको जोड़े। भाई इस कपल ने टिप्स तो दे दी, और अब बारी है एक सिंगिंग सरप्राइज की। तो भाई राजेश बाजा लेकर है तैयार, और देखिए कैसे अपनी बीवी वंदना के लिए वो रोमांटिक गाना गा रहे हैं। हम गया आसमान, जाने मन जाने जा, मेहरबान रुक गई ये जमीन, हम गया
कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा मेहरबान रुक गई ये जमीन थम गया मैं इनके लिए इनका फेवरेट खाना वो कहते हैं ना क्या मैन्स हार्ट इज थ्रू फूड हिज पेट सो वही कि इनको जो खाने का मन हो वो बनाया जाए यहाँ पे पीछे मेरे बहुत सारे फैंस चिल्ला रहे लेकिन थैंक यू तो हमारा रोमांस ऐसा ही होता है क्योंकि इतने सारे पड़ोसी नोजी पड़ोसी और दोस्त फैमिली सास ससुर तो हम जब भी रोमांस करने आते हैं कभी कोई घुसता है तो यही हम आदत हो गई हमें अभी ऐसे रोमांस की मुझे लगता है कि देखिए हर एक परिभाषा अलग हर एक की अलग अलग होती है आज की जनरेशन की परिभाषा मुझे पता नहीं है लेकिन फाइनली इट कम्स डाउन टू केयर एंड कंसर्न And I think just try and be a good human. बस क्या होता है ना आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं होती बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई छोटी सी चीज जो करते हैं ना वो सामने वाले को अच्छी लगती है जिसके लिए करते हो उसके लिए नहीं लेकिन आपका पार्टनर आपको देखता है ना तो इन लाइफ हमेशा पार्टनर को इम्प्रेस मत कीजिए यू नो जनरली बी अ नाइस पर्सन बी अ नाइस ह्यूमन बींग तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है That really matters, I think. Even I believe. So how you are caring towards others. ये बार बार I love you. मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ. मैं तुम्हारे लिए चांद तारे. नहीं नहीं भैया. थोड़ा. रुको जरा. थोड़ा रुको. थोड़ा थमो. या कुछ साथ में करो. You know, do something together. Yeah, absolutely. और ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि दो अलग अलग धाराएं होती हैं विचारधाराएं. Which is fine. लेकिन कुछ तो common होता ही है हर कपल में. तो वो क्या है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए तो राज और बंधु का जो प्यार है वो इसी तरह बरकरार रहेगा क्योंकि ऐसा है कि हमारे राइटर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं बोलते मैं माइक पकड़ती हूँ हमें खिलाना पिलाना यामिनी दक्कू हो फिर हर्षद ज्योति हो इनमें भी ढेर सारा प्यार है तो वो प्यार के सड़क पर कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं लेकिन उन स्पीड ब्रेकर्स को कैसे टैकल करना है इसके लिए देखते रहिए वागड़े की दुनिया सोमवार से लेकर शनिवार तक रात 9 बजे क्या बजा अभी आज बहू और बेटियां के दर्शकों को हैप्पी वैलेंटाइन डे और देखना ना भूलिए वागड़े की दुनिया तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप भी प्यार भरे इस दिन को अपने अपने साथियों के साथ मनाइए और अपने जीवन में ढेर सारा प्यार भर दीजिए मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हम तो खोलते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 चॉकलेटी एंटरटेनमेंट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और हाँ ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें नाम तो आप सब जानते ही हैं ना सास बहू और बेटियां और हाँ साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें